आप देख रहे हैं बुगल बॉलीवुड और आपको बता दूं कि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि सुहाना खान डेब्यू करने जा रही है करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के साथ। जी हां, साथ साथ ये भी खबरें आ रही थी कि उनके ऑपोजिट कास्ट किया है बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट असीम रियाज को, पर इन सारे रूमर्स पे लगा दिया है फुल स्टॉप करण जौहर ने। जी हाँ, करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल यानी कि ट्विटर पे ट्वीट किया है, लिखा है ये एब्सोल्युटली बेसलेस स्टोरी मेकिंग द राउंड ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3। माई रिक्वेस्ट टू everyone publishing the fabrication is to kindly stop please। वेल, इस ट्वीट से करण जौहर ने बता दिया है कि जितने भी रूमर्स हैं वो बेसलेस हैं और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ ऐसे स्टोरीज ना पब्लिश करें। वेल, बात करें करण जौहर की तो करण जौहर पहले भी स्टार किड को लॉन्च कर चुके हैं। जी हाँ, जिनमें शामिल हैं अनन्या पांडे, आलिया भट्ट और वरुण धवन। वेल, मे भी हो सकता है कि अपनी अगली मूवी में या किसी और प्रोजेक्ट में वो सुहाना खान को भी लॉन्च कर दें। वेल, तो टाइम ही बताएगा। वेल, अगर सुहाना खान की बात करें तो सुहाना खान अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं अपनी स्टडीज में। उनके फादर शाहरुख खान का भी कहना है कि पहले वो चाहते हैं कि उनकी बेटी स्टडीज कंप्लीट कर ले और उसके बाद वो बॉलीवुड में कदम रखें। वेल, आप क्या सोचते हैं कि सुहाना खान किस मूवी से करेंगी डेब्यू और कौन सा प्रोड्यूसर करेगा उन्हें लॉन्च? वेल, ये तो टाइम ही बताएगा। और आप हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन करेगा उन्हें लॉन्च। वेल, जरूर बताएगा इन कमेंट सेक्शन। दैट्स अ रैप फॉर टुडे। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स की वॉचिंग बुगल बॉलीवुड।